अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। बल्कि तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो। अब नहीं अच्छी लगती तुम्हें है? बहुत अच्छी लग रही है। मेरे पास आ जा पलकी। सच में बहुत प्यारी लग रही हो तुम। थैंक यू। एक बात तो है, कृतिका ने कपड़े बहुत अच्छे बनाए, शान वाले कपड़े। थैंक यू। वाह दादी, आई कम्प्लीटली अग्री विद यू। बुआ, यू आर अमेजिंग। सच में आप बहुत ब्यूटीफुल ड्रेसेस लाए हम लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर बच्चा। वैसे मैं सोच रही थी कि अब हमें चलना चाहिए, है ना पलकी? हाँ एक्चुअली, बट मैं चेंज करके जाना चाहती हूँ, जल्दी से चेंज कर लूँ फिर। एक बात सुन लो पहले, कल मेहंदी है और तुम दोनों को टाइम से पहले आना। अगर अपने साथ कोई सहेली सखी को लेके आना चाहते हो तो लेके आना, कल मेहंदी है इसलिए कह रही हूँ। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, टाइम पे पहुँचना है। और नहीं तो क्या, सीता माँ ने कहा है ना कि जो जब डिसाइड हुआ है, जब फिक्स हुआ है तभी होगा। अब टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइम का बहुत ख्याल रखना है। हमने उनसे वादा किया है ना, तो उसे निभाना भी है। सच कहा काव्या, ये प्रीता का सपना है कि मेहंदी मुहूर्त के हिसाब से हो, तो हम जो कुछ भी करेंगे प्रीता के विश के हिसाब से करेंगे। मेहंदी बिल्कुल वैसे होगी मुहूर्त के हिसाब से, धूमधाम से। मुझे तो बस कल का इंतजार है, मेहंदी की शाम का इंतजार। मुझे भी बड़ा मजा आने वाला है। माहिया साजदा, करण मेहंदी का फंक्शन अटेंड करने के लिए सब लोग आए हैं, मीडिया भी है, तो मेरे साथ चलो। हाँ छोड़ो मेरा। क्यों, मैं पराई हूँ क्या? लेकिन मैं तो पराया हूँ ना। क्या मतलब करण? देखो नीति, मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही का हाथ पकड़ा है, एक ही से दिल लगाया है, और पूरी जिंदगी सिर्फ उसी से दिल लगा कर रखूंगा। तो फिर इतने साल मेरे साथ क्या कर रहे थे? कम ऑन नीति, हर रिश्ते में गिव एंड टेक नहीं होता, लेन देन नहीं होता है। हाथ छोड़ो मेरा। निधि, फॉर गॉड्स सेक, आई एम टेलिंग यू, लीव माय हैंड। इट्स वेरी अनकंफर्टेबल। कितना टाइम हो गया, अब तक आप लोग आए नहीं, और कितना टाइम लगेगा? ओके, राखी जी, नमस्ते, हम आ गए। नमस्ते जी, नमस्ते।
बहुत प्यारी लग रही हो। जीती रहो, किसी की नजर ना लगे मेरी गुड़िया रानी को। ये टोल तो बड़ा चंगा बज रहा है, पूरे गांव जैसा घर लग रहा है। सच्ची बात है, आजकल तो लोग शादी ना शॉर्टकट पे कर लेते हैं, वो जैसे वो हाफ गर्लफ्रेंड वाली। लेकिन मैंने बोला कि हमारे समधी तो बिल्कुल संस्कारी वाले हैं। नमस्ते नमस्ते। वैसे इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ ना, मेरे दोनों ब्यूटीफुल घर की होने वाली ब्राइड्स को मेहंदी की बहुत बहुत मुबारक है। अब हम सेम टू सेम आपको तो कह नहीं सकते, तो थैंक यू जी। दलजीत जी, बीजी, जय माता दी। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम दोनों कैसी हो? और बहुत सुंदर लग रही हो। क्या देख क्या रही है बीप्स? तू यहाँ खड़े खड़े देखती रहना और वहां तेरा खशियाना लुट जाएगा। जरा देख तो पिता किस तरह सारे मेहमानों पे घर वालों पे छाई है, सबको वेलकम कर रही। ऐसे करण की वाइफ तो तू है ना, तुझे वहां होना चाहिए था, पर तू तो कहीं नहीं है, यहाँ एक कोने में खड़ी है। और ये प्रीता, ये करण के कुछ ना होते हुए भी आज वो वहाँ है, दलजीत को ऐसे ही वेलकम कर रही है जैसे इस घर की मालकिन वही है। हो गया, जो प्रोवोक करने की जरूरत नहीं थी, ऐसा ना हो कि मेरे हाथ में कुछ गलत हो जाए। मैं तो राखी पुत्र जी, मामी जी, मुहूर्त का टाइम हो गया है, मेहंदी वाली नहीं आई। मामी जी, मैंने अभी अभी मेहंदी वाली से बात की है, वो जरा ट्रैफिक में थोड़ी फंस गई है, बस आती होगी। राखी माँ, तभी तो हम लोगों ने सोचा है कि जब तक मेहंदी वाली आती है तब तक थोड़ा डांस ही कर लेते हैं। चलिए चलिए, प्लीज आइए आइए। यार ये मेहंदी वाली नहीं आई अभी तक। अरे आ जाएगी, और तू इतना क्यों सोच रहा है? तुझे लगवानी क्या मेहंदी? अरे लगवानी थोड़ी यार, पर मेहंदी की रस्म है ना, मेहंदी वाली नहीं है ये, क्या बोल रहा है? अरे तो कोई बात नहीं, अगर मेहंदी वाली ना भी आए ना तो पलकी के हाथों में मेहंदी मैं लगा दूंगा। वाह वाह वाह, तुम लगाओगे मेहंदी? हमें हाथ नहीं रंगवाने अपने लाल लाल वो, हमें मेहंदी लगवानी है, डिजाइन लगवाना है। थैंक यू सो मच काव्या, और तुम बड़ा हीरो बन रहे हो, मेहंदी मैं लगवा दूंगा। रोमांस साइड में रखो, अभी मेहंदी इज अ सीरियस थिंग। और तुम्हें क्या टेंशन हो रही है? हमें होनी चाहिए ना टेंशन, मेहंदी वाली नहीं भी आई तो नई वाली मंगवा लेंगे, कमी है क्या हमारे बच्चों के लिए? एग्जैक्टली। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।